जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने पिलखवा के मोहल्ला जाटान में बीती रात एक मकान को अपना निशाना बनाया, जहां घर में सो रहे परिजनों के मोबाइल और कुछ रुपए लेकर चोर फरार होने में कामयाब रहे। सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो किसी का मोबाइल न देख उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्हें चोरी का पता चला। उन्होंने पुलिस को मामले से अवगत कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। मामले ये था कि भैया 2:15 बजे सब हम सब सोए हैं, उसके बाद पता नहीं कौन घर में घुसा है और पांचों फोन और गद्दे के नीचे पैसे रखे थे वो चोरी हुए हैं। 15-20 के लपेटे में फिलहाल तो यही गया भैया। रिपोर्ट करी है तो हम 10 बजे जाएंगे, पैसे तहरीर भी आए। राजू उर्फ सुबोध निवासी मोहल्ला जाटान पिलखवा ने बताया कि सोमवार की देर रात सभी लोग घर में सो रहे थे। सभी ने अपना मोबाइल सरहाने रखा हुआ था। रात को किसी समय चोर अंदर आए, जिन्होंने सभी के सरहाने रखे फ़ोन चुरा लिए और गद्दे के नीचे रखी नकदी भी चोरों ने चुरा ली और फरार हो गई। जाग होने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जिसे मालूम पूरा बंद करवाया उन्होंने, उसने चोर ने पूरा बंद करके और फिर उसके बाद अंदर गया और उसके बाद अंदर आकर ने तेल बिखेरा या जो भी कुछ बिखेरा है, चिकना पदार्थ सारे में बिखेरा, ये लिए शीशी जिसे बिखेरी उसने। उसके बाद यहाँ सब बच्चे सो रहे थे, नंबर वाइज सबके फ़ोन सबके सिराने रखे थे, क्योंकि सब अपने आप को स्कूल जाएगा तो सबके अलार्म लगे हुए हैं, अपने अपने टाइम पर उठते हैं तो सुनाने लगा के सोते हैं, कोई लैब पे जाएगा तो वो सारे फोन तो उनके उठाए हैं। और ये कुछ पैसे थे इसमें, ये पैसे का है।